दोस्तों पठान मूवी को बॉयकॉट करने के बाद अन भक्तों के अंदर जरा भी ताकत नहीं बची कि वो शाहरुख खान की किसी भी मूवी का बहिष्कार कर सके। अब उन्होंने एक नया रास्ता निकाला है, एक नया तरीका ढूंढा है कि शाहरुख खान की फिल्म को किस तरीके से दिखाया जाए कि शाहरुख खान की फिल्म जो है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही। लेकिन इनको शायद ये नहीं मालूम है कि सोशल मीडिया का जमाना है, आप यहाँ झूठ बोलेंगे और वहां पे लोग सच लाकर आपके सामने रख देंगे। सुदर्शन न्यूज के इस संपादक को तो आप जानते होंगे, जो अपने न्यूज में दिन रात नफरत पड़ोसता है, हेट स्पीच देता है और झूठी खबरें चलाना इसका पेशा है। अब देखिए इसने शाहरुख खान की फिल्म जवान को लेकर क्या बातें कही है और कैसे ये झूठ फैला रहा है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके बाद आपको जवान मूवी की कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो दिखाने वाला हूँ जो आज से पहले आपने किसी भी फिल्म में, फिल्म रिलीज होने से पहले या रिलीज होने के बाद ऐसा आपने नहीं देखा होगा। जो जवान मूवी का क्रेज देखने को मिल रहा है थिएटर के अंदर और थिएटर के बाहर, ये मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले देखिए आप सुदर्शन न्यूज का ये संपादक शाहरुख खान की मूवी जवान को लेकर क्या लिखता है। सुरेश चव्हाण के ने लिखा है कि शाहरुख खान की फिल्म जवान का प्रारंभ बहुत ही धीमा, शांत और शाहरुख खान के अपेक्षा के अनुपूर नहीं हुआ है। सुबह जवान के फर्स्ट डे फर्स्ट शो का ठंडा रिस्पॉन्स भी शाहरुख खान के लिए चिंता का विषय है। ये कौन लिख रहा है? सुदर्शन न्यूज का ये संपादक जिसका नाम है सुरेश चव्हाण के। अब देखिए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं कि शाहरुख खान की फिल्म जवान थिएटर के अंदर ही नहीं, थिएटर के बाहर क्या हंगामा मचा रही है, ये आप देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर ऐसी तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और उसके बाद आपको बता दूं कि सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर हैंडल के ऊपर आपको जवान का रिव्यू और जवान से जुड़ी हुई सारी ट्रेंडिंग टॉपिक आपको देखने को मिलेगी, यानी कि उसका हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। जवान को लेकर सारे जो हैशटैग चलाए जा रहे हैं वो ट्रेंड कर रहा है, नंबर वन पे, नंबर टू पे, नंबर थ्री पे, यही आपको ट्विटर के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शाहरुख खान के पोस्टर का, शाहरुख खान के पोस्टर जो थिएटर के अंदर लगी हुई है उसका लोग पूजा कर रहे हैं, और उसके बाद पब्लिक का जो रिव्यू आ रहा है उसमें तो लोग ये भी बता रहे हैं, लोग ये बता रहे हैं कि इस फिल्म के जैसी अभी तक कोई फिल्म नहीं बनी, ये शाहरुख खान के फैंस बता रहे हैं और बता रहे हैं कि ये शाहरुख खान की लाइफ का सबसे बड़ा मास एंटरटेनिंग फिल्म है, जो आपको जवान फिल्म अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। अब देखिए तमाम ऐसी तस्वीरें, शाहरुख खान के पोस्टर पे दूध चढ़ाया जा रहा है, ये बता रहा है कि सुबह जो है वो फिल्म का शुरुआत जो है वो धीमा हुआ। लेकिन आप देखिए कि थिएटर के बाहर जब सूरज की रोशनी फैली भी नहीं, उससे पहले लोग जो है वो फैंस शाहरुख खान के वो वहां पे पहुंचे हुए फिल्म देखने के लिए, लेकिन ये बता रहा है कि शाहरुख खान की फिल्म का स्टार्ट जो है वो अच्छा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि थिएटर से भर भर कर लोग निकल रहे हैं, थिएटर के अंदर की तस्वीरें आप देखिए, पूरा थिएटर भरा हुआ है। और सिर्फ इतने में ही खत्म नहीं होता जवान की कहानी। आपको बता दूं कि फिल्म क्रिटिक ने इस फिल्म को 4 स्टार, कुछ ने तो 5 स्टार तक दे दिया। 5 स्टार देना मुंह का बात नहीं है, 5 में से अगर 5 स्टार किसी फिल्म को अगर फिल्म क्रिटिक दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि फिल्म क्या कर रही है थिएटर के अंदर। और उसके बाद पब्लिक का जो रिव्यू आ रहा है वो सारे पॉजिटिव है जवान मूवी को लेकर। लेकिन आप देखिए कि अंधभक्त जिन्होंने पठान मूवी का बॉयकॉट किया था, उसके बाद हुआ क्या, पठान मूवी ने क्या किया, ये सबको मालूम है। अब इनके पास वो रास्ता तो बचा नहीं कि जवान मूवी को बॉयकॉट किया जाए, तो इन्होंने एक नया रास्ता निकाला है कि फिल्म के बारे में झूठा प्रचार किया जाए। फिलहाल आप किस तरीके से देखते हैं जवान मूवी के इस रिलीज को और उसके बाद अंधभक्तों के फैलाए हुए जवान मूवी के बारे में झूठ को, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।